नमस्कार, मैं कुंदन सिंह और आप देख रहे हैं इंडी न्यूज़। बिहार में कोरोना का प्रकोप जिस तरीके से जारी है, बिहार के एक कद्दावर नेता श्री सुनील कुमार सिंह, जो कि बिहार युवा विधान परिषद खगड़िया से MLC थे, पटना एम्स में उनकी कल रात मौत हो गई। हमारे साथ बातचीत करने के लिए विधायक संदीप चौरसिया उपस्थित हैं, जो दीघा विधानसभा से विधायक हैं। आइए उनसे बातचीत करते हैं। भारतीय जनता पार्टी के इस कदावर नेता की मौत को आप किस दृष्टि से देखते हैं? निश्चित तौर पर पार्टी के लिए बड़ा एक तरह से क्षति भी है और साथ ही साथ समाज के लिए भी, क्योंकि लगातार उनका काम बहुत सराहनीय अपने क्षेत्र में रहा है। मृदुभाषी, सहनशीलता और लगाव बहुत व्यक्तिगत, और मेरे लिए तो व्यक्तिगत रूप से बहुत पारिवारिक क्षति भी है। और निश्चित तौर पर सब लोगों से, पार्टी के दृष्टि से लगातार और समाज जिस तन्मयता के साथ उन्होंने काम किया है, आज उनके काम को जनता याद भी रखती है, ये बहुत नहीं भरने वाला क्षति है। मैं अपनी संवेदना व्यक्त करता हूँ, श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ और उनके परिवार को सबल प्रदान करें, ईश्वर से ऐसी प्रार्थना है। ऐसा कहा जाता है कि सामाजिक मुद्दों को बहुत जल्दी उन पर एक्शन लेते थे, उन सब चीज़ों को बहुत गंभीरता से लेते थे और इन सब चीज़ों को लेकर के बहुत एक्टिव रहते थे। इस बारे में आपके क्या विचार हैं? वही मैंने कहा कि सामाजिक मुद्दों पर या सामाजिक सौहार्द के विषय पर लगातार कृषि के क्षेत्र में या उधर के क्षेत्रों में लगातार बने रहते थे और अपने साथ सभी समाज को लेकर और सब समाज का एक भाव उनके प्रति बहुत उत्प्रेरक, बहुत सकारात्मक हरदम रहता था। तो आज बड़ी क्षति एक समाज की दृष्टि से भी है और पार्टी की दृष्टि से भी है। परिवार को सबलता प्रदान करें। तो अभी हमने संदीप चौरसिया विधायक से बातचीत करने की कोशिश की, उन्होंने बताया कि उनकी क्षति, उनकी मृत्यु भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बहुत बड़ी क्षति है और पारिवारिक दृष्टि से भी, क्योंकि इनका व्यक्तिगत रिश्ता था बहुत बढ़िया, तो इनके लिए भी एक बड़ी क्षति है। और इनका कहना है कि भगवान उनकी दिवंगत आत्मा को शांति दें और यही हम सब की भी दुआ है। कोरोना इस बिहार से ही नहीं, इस देश से नहीं, बल्कि पूरे विश्व से बिल्कुल ख़त्म हो जाए जल्द से जल्द।